नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज़। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने अपने जन्मदिन को लेकर फिर से एक निर्णय लिया है, जिसमें वो अपना जन्मदिन जो कि 29 दिसंबर को है फिजिकली नहीं मनाएंगे। उनका कहना है कि मेरे जन्मदिन पर कोडिंग बैनर लगाने की जगह पैसे को गरीब जनता पर खर्च किया जाए। 2 वर्षों से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल तरीके से ही मनाऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही मैं सभी लोगों की शुभकामनाएं ग्रहण करूंगा। वहीं कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि पहले की यात्राओं का क्या हश्र होगा, वो हम सबके सामने है। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए। गांधीगिरी के साथ तो राहुल गांधी जी को अपनी नियत, अपने मंतव्य, अपनी भावना, अपने भाव ठीक करने होंगे। जुगलबंदी से, गैम्बलिंग से, केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी से राजनीति नहीं चलती। भारत जोड़ो यात्रा कहां सामने देखा नाम था। भारत जोड़ो यात्रा भारत के टुकड़े करने वाले लोगों को उन्होंने कदम ताल में साथ रखा। तो कन्हैया जिन्होंने नारे लगाए हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कन्हैया राहुल गांधी के सबसे बड़े सपने शहर है। और भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चले आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं वो दिग्विजय सिंह, जो हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा के संयोजक थे। तो आप समझ सकते हैं कि आगे की यात्रा का क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को राजनीति की गैम्बलिंग छोड़कर यथार्थ की बात करनी चाहिए। तो मैंने आज विशेष प्रायोजन से आप सबको तकलीफ दी है। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। विगत 2 वर्षों से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल तरीके से ही मनाऊंगा। इस बार भी मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही मैं सभी लोगों की शुभकामनाएं ग्रहण करूंगा। मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार पुनः मैंने यह निर्णय लिया है कि फिजिकली मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मैं वर्चुअल जन्मदिन ही मनाऊंगा। और मैं अपने सभी मित्रों से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये भी निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी होर्डिंग ना लगाए, मेरे जन्मदिन से संबंधित बधाई का कोई होर्डिंग ना लगाए। और उसके साथ ही 29 दिसंबर को मैं निवेदन के साथ, वैसे तो मेरा घर मेरे मित्रों का ही घर है, पर मैं निवेदन करूंगा कि 29 तारीख को, क्योंकि मैं भोपाल में नहीं रहूंगा, इसलिए कोई भी मेरा मित्र उस दिन इस बात की परेशानी ना ले कि वो घर पर आकर मुझे बधाई दे, वर्चुअल मुझे बधाई दे। और मैं निश्चित रूप से उन बधाइयों को स्वीकार करूंगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बड़ी संख्या में शुभचिंतक मित्र मुझे प्यार। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केसरिया।